नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नवनिर्मित रीवा सीधी टनल अगले माह की पहली तारीख को आम जनता के आवागमन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दी जाएगी। इसके लोकार्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोकार्पण अगले माह दिसंबर के शुरुआती दिनों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। लोकार्पण की तैयारी का जायजा लेने आज कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन मौके पर पहुंचे, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम के व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें, सीधी रीवा टनल मोहनिया घाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में बनाई गई है। इसका निर्माण कार्य अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य के साथ ही फिनिशिंग का कार्य भी पूर्ण होने के बाद टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम तय करने की तैयारी तेज हो गई है। लोकार्पण के बाद लोगों को बड़ी टनल की सौगात मिल जाएगी। इस टनल के शुरू हो जाने के बाद सीधी से रीवा की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा वाहनों को मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ और चढ़ाई से भी राहत मिलेगी। वाहनों के लिए घाटी से गुजरते हुए अभी 30 मिनट का समय लगता है। टनल से 5 मिनट में ही मोहनिया पहाड़ की दूरी तय हो जाएगी। अभी सीधी से रीवा की दूरी 82 किलोमीटर है, लेकिन टनल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी 75 किलोमीटर हो जाएगी। बता दें कि सीधी रीवा टू लेन सड़क प्रोजेक्ट में मोहनिया टनल के पूर्ण होने का समय मार्च 2023 निर्धारित था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने तय समय से 8 महीने पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट की लागत 1004 करोड़ है। यहाँ 3-3 लेन की 2 टनल हैं। एक टनल की चौड़ाई 13.5 मीटर है। एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकते हैं। दोनों टनल के बीच 3 स्थानों पर इंटर पासिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे टनल के अंदर जाने के बाद वाहन बीच से वापस लौट सके। दोनों टनल की लंबाई 2.29 मीटर है। टनल के बाद सीधी की ओर से 12.5 मीटर और रीवा की तरफ 500 मीटर की अप्रोच रोड है। टनल को पूरी तरह से आधुनिक विधि से निर्मित कराया गया है, जिससे टनल बहुउपयोगी बन चुकी है। टनल के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री जी के आने की संभावना है 1 तारीख को, तो उसके लिए हम लोग कार्यक्रम स्थल को देखने के लिए और कहाँ पे चॉपर उतरेगा, कहाँ से मूवमेंट होगा, किस तरीके से इनॉग्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए सभी विभाग के साथ आए हैं। अभी इसके प्लानिंग हो जाती है, फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की बैठक होगी और चीज़ें फाइनल की जाएगी।